हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। मैं ये लाइन बोल बोल कर थक चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद अब मुझे बोलना चाहिए मार्वल मल्टीवर्स यूनिवर्स के बारे में, क्योंकि अब एक बेहतरीन अपडेट आया। जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं टॉम क्रूज से रिलेटिव। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो आयरन मैन का कैरेक्टर पहले प्ले करता आ रहा था, यानी कि आरडीजे रॉबर्ट डॉनी जूनियर, अब वो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करेंगे, जो कि साल 2024 में सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अनाउंस हुआ था ऑफिशियली। और अब खबरें ये आ रही हैं कि आने वाले फीचर्स में एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, जो कि एक मल्टीवर्स वॉर होगा, उसमें आपको आयरन मैन रोल के लिए टॉम क्रूज देखने को मिल सकते हैं। ये रूमर फिर से दोबारा से चालू हो गए हैं। इनसाइडर रिपोर्ट ये बता रही है कि टॉम क्रूज से दोबारा बात करी जा रही है अगेन आयरन मैन के रोल के लिए, वो भी मल्टीवर्स, एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के लिए। आपको क्या लगता है इस न्यूज को सुनकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी खबरें काफी जोरों शोरों से है और इनसाइडर रिपोर्ट यही कह रही है, तो मैंने सोचा कि इसको अपडेट तुरंत ही तुरंत आपको बता दिया जाए। बाकी आपको यह खबर जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो और अपडेट पसंद आया हो, तो इसी तरीके से अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, जा रहा हूं।